हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द ऑफिस ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, minus 1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी इसका नेम दे दिए, और जिसके पॉइंट्स हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। ये क्या है? ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ए 0, -1, बी 2, 1, सी 0, 3, बी द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 0 एंड y3 इज इक्वल टू 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 एंड मोड क्लोज। तो 1/2 इन मोड, देखिए x1 का वैल्यू क्या है 0, y2 कितना है 1 माइनस 3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, y3 3 माइनस 1, सॉरी y1 का वैल्यू है -1, तो ये +1 हो जाएगा। x3 क्या है 0 और y1 क्या है -1 -1। तो क्या हो गया 1/2 इन मॉड, ये देखिए 0 हो जाएगा प्लस 2 एंड 3 + 1, दैट मीन्स 4 इंटू 2, ये 8 हो गया प्लस ये भी हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये 8/2 और ये कैंसिल हो गया, आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है उसका एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट। अब क्या करेंगे, इसका जो मिड पॉइंट है ए बी का, सपोज कर लीजिए डी है, बी सी का ई है एंड ए सी का एफ है। इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हम लोग एक ट्राइंगल मिलेगा और इसी ट्राइंगल का हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
इस पोर्शन को हटा देते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आया है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 square units। तो है क्या, देखिए, सिंस डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और फिर ये वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालेंगे हम लोग, एक्स वन जीरो प्लस टू बाई टू फिर माइनस वन प्लस वन बाई टू, ये देखिए टू बाई टू और ये जीरो बाई टू, दैट मीन्स ये वन कॉमा जीरो, तो ये डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वन कॉमा जीरो। ई का कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, जब ई का निकालेंगे तो टू प्लस जीरो हो जाएगा बाई टू और फिर वन प्लस थ्री होगा बाई टू, ये देखिए टू बाई टू और ये फोर बाई टू हो गया, दैट मीन्स ये वन और ये टू और कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वन कॉमा टू। अब हम लोग एफ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ तो जीरो प्लस जीरो बाई टू माइनस वन प्लस थ्री बाई टू, तो ये जीरो प्लस जीरो बाई टू मीन्स जीरो हो गया और ये टू बाई टू वन से कैंसिल हो गया जीरो कॉमा वन, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो कॉमा वन। हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट्स कैसे निकाले ये समझ गए होंगे, चलिए अब इसको हटाते हैं क्योंकि पॉइंट्स को तो मेंशन कर दिए हम लोग, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। यस, तो आगे देखते हैं, फॉर ट्राइंगल डी ई एफ, देखिए x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 0 एंड y2 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 1 एंड y3 का वैल्यू 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ 1 बाई टू इन मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इन मॉड इज इक्वल टू 1 बाई टू इन मॉड, देखिए x1 का वैल्यू क्या है 1, y2 का वैल्यू 1 माइनस 2, x2 का वैल्यू 0, y3 2 माइनस y1 0 प्लस x3 1, y1
जीरो माइनस वन और फिर मॉड इज इक्वल टू वन बाई टू इन मॉड. देखिए वन माइनस टू माइनस वन इंटू वन माइनस वन, और जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो. और फिर देखिए वन इंटू माइनस वन हो गया, तो वन बाई टू इंटू ये देखिए इन मॉड माइनस टू. तो मॉड का क्या काम है कि यदि नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स ये क्या हो गया, टू बाई टू, और ये कैंसिल होके वन आ गया. इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या आ गया, वन. वन क्या, स्क्वायर यूनिट्स. आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल. दैट मीन्स पहले हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो डी ई एफ का वैल्यू कितना आया है, वन, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का वैल्यू कितना आया है, फोर. तो रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन इज टू फोर. तो ये हो गया इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर.